और ये हम करते हैं इसका शुभारंभ। अरे बाप रे, मैं तब से यहाँ पे एडिटिंग के लिए बैठा हूँ लेकिन ये भाई साहब मुझे कुछ भी एडिट नहीं करने दे रहे। ये देखो इधर इनके पैरों की वजह से सब कुछ चल रहा है। भाई साहब यहाँ बैठ के मेरी वायर खा रहे हैं। वायर ए लो ए ए ए, ए, ए भाई साहब ओ ले ए ये अरे भाई साहब तोड़ोगे क्या मेरा लैपटॉप? अरे भाई साहब इकलौता लैपटॉप है भाई। ओ भैया ओ नहीं ओ बटन नहीं भाई साहब मेरा लैपटॉप है। ओ हाँ थैंक यू वेरी मच। जस्ट अभी अभी मैंने अपना एक व्लॉग ख़त्म किया है, एडिट किया है और फिर उसका फाइनल स्टेप मैं कर रहा था लेकिन इन भाई साहब ने मेरे को कुछ नहीं करने दिया। अचानक से सो रहे थे, आपको दिखाया मैंने पुराने व्लॉग में, भाई साहब सो रहे थे, अचानक से उठे और उठने के बाद मेरे लैपटॉप पे कूदना शुरू कर दिया और उसके बाद मेरी वायर वगैरह काटनी शुरू कर दी लैपटॉप की और फिर एसी का रिमोट काटना शुरू कर दिया। कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं ये मेरे को और थक हार के तब जाके मेरे को ये व्लॉग्स यहाँ से दोबारा से सेकंड व्लॉग शुरू करना पड़ा। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज, मैं हूँ अभिषेक मलिक और आप देख रहे हैं ट्रैवल एस्टर अभी चैनल। तो अभी मैं ये व्लॉग को पूरा अच्छे से पहले अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद अब सीधा मॉर्निंग में आप लोगों से मिलता हूँ। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जो है सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं नहा धो के पूजा करके एकदम रेडी हो चुका हूँ। मैंने टी शर्ट वगैरह भी चेंज कर लिया है और हमारे भाई साहब जो है ये यहाँ पे अपना एज ऑलवेज हमेशा की तरह लगे पड़े हैं खेलने में। फिलहाल तो बैठ गए हैं लेकिन अभी यहीं पे उधम मचा रहे थे पूरा, यहाँ पे खेल खुल के पूरा यहाँ पे सब कुछ कबाड़ कर दिया था इन्होंने। तो अभी तो बैठ गए और देख रहे हैं मेरे को कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अभी इससे क्या लगा रहा हूँ। सिम्बा आ जा। अभी किचन में जो है हमारा खाना तैयार हो रहा है तो इस वजह से साउंड आ रहा होगा, हो सके तो उसको इग्नोर कीजिए। आ गया। कैमरा देख के आ रहा है, अटैक करेगा। अरे कैमरे पे अटैक कर रहा है, क्या ये चीज है? सिम्बा आइए, कैमरे के पीछे लगा हुआ है सिम्बा ये कैमरा है। ब्लॉगिंग कर, कैमरे को अटैक मत कर। अरे नहीं भैया, हम ब्लॉक करते हैं इससे। अरे देखो भाई को, देखो कैसे क्यों अटैक कर रहा है इस पे है सिम्बा, कैमरे पे क्यों अटैक कर रहा है ये? अच्छा ये डंडे नो, कैमरा है भाई ये हमारा। अच्छा बेटा, गुस्सा आ रहा है क्या? फिलहाल के लिए भाई साहब से किसी तरीके का पंगा नहीं लेना, नहीं तो वो कैमरे को गिरा देंगे। और मेरा ये जो सेल्फी स्टिक है ये है भी बेकार क्योंकि इसमें से मोबाइल निकल जाता है, तो सिर्फ काम चलाओ सेल्फी स्टिक है, मेरे को एक नया खरीदना पड़ेगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है ये सेल्फी स्टिक, आया होगा कैमरे के अंदर। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने आज क्या है एक चीज़ मंगाई है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और वो मैंने क्यों मंगाई है, वो रीज़न क्या था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो चीज़। ये देखो एक मज़ेदार चीज़, मैं अपने मुँह से एक साउंड निकालूंगा उसके बाद देखो ये मेरे को देखने की कोशिश करूँगा पर मैं इसको देखने नहीं दूंगा। अटैक करने वाला मेरे पे, आ गया, डर लग रहा है। बाप रे, खतरनाक आदमी, बहुत खतरनाक है। तो चलो अब मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को जो मैंने मंगाई थी और जो ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि क्या चीज़ मैंने ऑर्डर करी है और वो किस काम आने वाली है। तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये आ चुकी है। इधर का पोर्शन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उधर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ से खुलेगा क्या? खुल तो जाना चाहिए।
बहुत ही मतलब काम की चीज़ है ये हमारी। इसके बिना मतलब इतना अच्छा होने वाला है, इसके बिना नहीं मतलब इसके साथ मतलब इतना अच्छा होने वाला है आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि अब तक ये नहीं थी हमारे पास तो ब्लॉग जो है बहुत ही मुश्किल से बना पा रहा था, लेकिन अब ये आ चुकी है तो मे बी शायद अब इतना प्रॉब्लम ना आए हमें। तो खोल लेते हैं, ये खुल चुका है सामान और ये है हमारा विप्रो का एलईडी बल्ब बोलते हैं इसको, 40 वाट का है जिसको हमें मंगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस तरफ दिखाओ, उस तरफ ये लगा हुआ है, हम इसके भरोसे चलते थे, ये जो सामान है इसी तरीके से यहाँ पे ये है, इसके भरोसे हम लोग चलते थे, लेकिन लाइट जो हमें मिलती नहीं थी सफिशियंट लाइट जो है। अभी हमारे रूम के अंदर का लाइट देख लो आप लोग, मैं अगर खड़े होकर यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ तो लाइट कुछ इस तरीके का है जो आपको मिल रहा है। इससे पहले मतलब अभी जो व्लॉग की शुरुआत में आपने लाइट देखी होगी वो मॉर्निंग की लाइट पड़ रही थी, डायरेक्टली यहाँ से विंडो से आ रही थी तो उस वजह से रूम थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो ऐसे शाम हो चुकी है तो लाइट जो है कम हो गई है तो लाइट का अब असर हमें दिखने लग गया है, तो उसके लिए ये चीज़ मंगाई क्योंकि रात में जब भी मैं शूट करता हूँ तो सफिशियंट लाइट हमें नहीं मिलती है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको फिट करेंगे इस लाइट की जगह पे और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा हमें आउटपुट मिलने वाला है। ये देखो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा ये एलईडी बल्ब है, मतलब पकड़ने से पता लग रहा है कि हैवी भी है और मतलब दमदार है, ऐसा लग रहा है कि अगर फेंकूंगा तो इस पर कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं फेंकने वाला नहीं, अगर हो गया तो इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि लाइट हमें किस तरीके की मिलेगी। तो पहले इसको ऑफ कर लेते हैं लाइट को, तो सबसे पहले हमने लाइट को ऑफ कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं और इसकी जगह अब इसको लगा लेते हैं। तो अभी हमने ये एलईडी बल्ब लगा लिया, देखो कितना बड़ा लग रहा है यहाँ पे, ये ऐसा जैसा लग रहा है कि कुछ घंटा सा हमने लगा लिया है, और उस तरफ वो देखो ये कितना छोटा सा पतला सा है। तो अभी हम इसको चालू करने वाले हैं और चालू करने के बाद देखते हैं कि कैसी लाइट हमें मिलेगी। 40 वाट का एलईडी बल्ब है तो लाइट मेरे को लगता है अच्छी मिलनी चाहिए। तो अब हम इसका शुभारंभ करते हैं, आशा करते हैं कि अच्छे से जले। तो जय हो भगवान जी की, जय हो, हमारा पहला बल्ब है, जय हो भगवान जी, अच्छे से रोशनी देना। और ये हम करते हैं इसका शुभारंभ। अरे बाप रे, पूरा कमरा एकदम से देख लो कैसे जगमगा सी गया है उस लाइट के भरोसे, मतलब रहने की जरूरत ही नहीं उस लाइट के भरोसे। उस तरफ अगर आप देख रहे होंगे अभी भी इस तरफ देखो कितना हल्का सा लाइट है, लेकिन उस लाइट की वजह से यहाँ तक लाइट आ रहा है, मतलब मैं यहाँ तक का दिखाई दे रहा हूँ और यहाँ तो ऐसा लग गया है कि जैसे सूरज प्रकट हो गया यहाँ पे एकदम से। तो अब से शायद हमारी लाइट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, अब हमें ये पर्दे वर्दे खोलने की भी जरूरत नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। तो ये हमारा पहला चीज था जो हमने मंगाया है और काफी कामगार मतलब ये हो चुका है, मजा आ गया, कैसा है ना, मजा आ गया ना, एकदम जगमगा सी गया है ना। काफी हेवी लाइट है, हेवी लाइट है, 40 वाट की लाइट है, ये बहुत हेवी लाइट है एकदम से। चलो ब्लॉग बनाने में मजा आएगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा। और हमारे कैमरामैन है राजीव जी जो पकड़ के बैठे हैं, लेकिन दिखा नहीं सकता क्यों, वो कुछ पहनते ही नहीं है, बनियान भी नहीं पहनते हैं, तो ऐसे ही ऊपर से नंगे रहते हैं, कोई बात नहीं। अभी क्या है, ये वाला जो वीडियो है ये आर्यन के लिए है, आर्यन ब्लॉग्स के लिए। ये देखो मैं बोल रहा था ना, ये वाला पोस्टर मेरे यहाँ पे भी है, कीप योर चप्पल एंड एटीट्यूड आउटसाइड। तो ये रहा भाई, मेरे यहाँ भी ये लगा हुआ है और तुम्हारे घर में भी लगा हुआ है दरवाजे के ऊपर, तो ये रहा देखो। तो इसका मतलब ये है कि दोनों भाई ने ये सेम पोस्टर एक ही जगह से खरीदा है। तुमने भी ये मतलब ये दिल्ली से खरीदा था, मैंने भी ये दिल्ली से ही खरीदा है। मेरे को ये एक पोस्टर उसने दिया था 30 रुपये में, शायद 30 या 50 रुपये में दिया था। तो आपको कितने में दिया मेरे को बताओ जरा, ये पोस्टर कितने में मिला, मतलब ये सारे पोस्टर जो है ईच पोस्टर 30 या 50 रुपये में मिले थे, तो आपको कितने में मिले बता देना मेरे को। और ये भी बता देना भाई कि लाइट का कैसा लग रहा है, अभी लाइट कैसी आ रही है हमारे इस रूम के अंदर। तो दोस्तों फाइनली डिनर आ गया है, डिनर में है आज हमारे पनीर और रोटी है, और हमारे सिम्बा जो है अपना डिनर करके सो चुके हैं। बहुत दिनों बाद आज मैं आपको डिनर का दिखा रहा हूँ, तो देख लीजिए कुछ ऐसा है हमारा आज का डिनर। और एक दाल भी आने वाली है, अनुपम गया है लेने के लिए, लो आ गई है हमारी दाल भी आ चुकी है। तो आज डिनर में हमारा कुछ ये है। तो बिना किसी देरी के मैं फटाक से अपना डिनर कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ठंडा होने वाला है और ठंडा फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फटाक से मैं खा लेता हूँ सबसे पहले। तो
तो दोस्तों डिनर करके हमारा हो चुका है, और अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तो एक भाई साहब है, देखो ये गुफा से निकल के बाहर आ चुके हैं। तो अभी कैसा है कि देखिए लाइट कैसी पड़ रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अंतर साफ साफ समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको अंतर मिल जाएगा, और अगर इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी 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 ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर मैंने 25 लाइक्स का एम रखा था, तो वो अभी तक तो फिलहाल नहीं कम्प्लीट हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि इस वाली वीडियो में, मतलब जो आपको ये वाली वीडियो मिलने वाली है, इसमें हम 20 लाइक का एम रख लेते हैं। तो प्लीज़ करा देना यार, 20 लाइक का क्या है, एक लाइक ही तो करना होता है। तो एक लाइक दबा दीजिए, 20 लाइक का एम का हमारा कंप्लीट करवा दीजिए। तो आशा करते हैं आप 20 लाइक का एम जो है हमारा कंप्लीट करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।